देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। वेजाइना के रास्ते खावातीन में ब्राउन डिस्चार्ज की वजूहात और इलाज। अक्सर खावातीन ब्राउन डिस्चार्ज की शिकायत करती हैं। ज़्यादातर मामलात में ब्राउन इंदिहाम निहानी से खारिज होने वाला मादा आपके माहवारी का एक आम हिस्सा ही होता है और तशवीश का बायस नहीं होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ब्राउन डिस्चार्ज किसी बीमारी या इन्फेक्शन की अलामत भी हो सकता है जिसके लिए फौरी तिबी इमदाद की ज़रूरत होती है। ब्राउन डिस्चार्ज की 6 आम वजूहात मंदरजा ज़ेल हैं। आपको पीरियड्स आने वाले हैं या ख़त्म हो चुके हैं। आपकी माहवारी के शुरू में या इसके इख्तिताम पर ब्राउन डिस्चार्ज आम तौर पर इसलिए होता है क्योंकि आपकी खून माहवारी के वस्त के मुकाबले में आहिस्ता से आना शुरू हो जाता है। चूँकि आहिस्ता आने की वजह से खून को बच्चेदानी से निकलने में ज़्यादा वक्त लगता है। ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और सुर्ख रंग से भूरी रंगत में बदल जाता है। ब्राउन डिस्चार्ज, इसका इलाज कैसे करें? आपकी माहवारी के आगाज़ या इख्तिताम पर भूरा खारिज होना मामूल की बात है और आमतौर पर तशवीश का बायस नहीं है, लेकिन अगर आपकी मुद्दत ख़त्म होने के बाद कई दिनों या हफ्तों तक ब्राउन डिस्चार्ज जारी रहता है या इसके साथ नागवार बू, खारिश या जलन होती है, तो अपने डॉक्टर से राबता करें क्योंकि ये इन्फेक्शन की अलामत हो सकती हैं। ब्राउन डिस्चार्ज और हार्मोनल माने हमल का इस्तेमाल। पैदाइश को कंट्रोल करने वाली गोलियां या इम्प्लांट्स जैसे तरीके जो हमल को रोकने के लिए प्रोजेस्टन को खारिज करते हैं, वो धब्बे या स्पॉटिंग, बेकायदा माहवारी और भूरी रंग के मादे के खारिज होने का सबब बन सकते हैं। इसका ज़्यादा इम्कान पैदाइश पर काबू पाने के तरीकों पर इन्हिसार करता है। ये तरीके एस्ट्रोजन की कमी पैदा करते हैं। एस्ट्रोजन की कमी एक वक्त में बच्चेदानी की परत को थोड़ा सा बहाने ये ब्राउन डिस्चार्ज का सबब बन सकती है। और बिल्कुल इसी तरह जैसे आपकी माहवारी के आगाज़ या इख्तिताम पर जब खून आहिस्ता आहिस्ता बच्चेदानी से निकलता है तो ये ऑक्सीडाइज्ड होकर भूरा हो जाता है। इसी तरह हमल की गोलियों की वजह से भी खून भूरा हो जाता है। ब्राउन डिस्चार्ज, इसका इलाज कैसे करें? हार्मोनल माने हमल की वजह से धब्बे या स्पॉटिंग आमतौर पर तशवीश का बायस नहीं होते हैं और इम्प्लांट्स लगाने या कम एस्ट्रोजन पर कंट्रोल गोली शुरू करने के तकरीबन 3 माह बाद इनको ख़त्म हो जाना चाहिए, तो अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करें। जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाले इन्फेक्शन की वजह से होने वाला ब्राउन डिस्चार्ज, माहरीन के मुताबिक कुछ जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाले इन्फेक्शन जैसे क्लाइमेडिया और सुजाक इंदिहाम निहानी से खून बहने और भूरे मादे का सबब बन सकते हैं। क्लाइमेडिया की अलामत में शामिल हैं पेशाब के दौरान दर्द या जलन, आपके पेट के निचले हिस्से में हल्का दर्द, तकलीफ दा जिमा सुजाक की अलामत में शामिल है, माहवारी के दरमियान खून बहना, दर्दनाक पेशाब, दर्द। कुछ मामलात में आपको इन इन्फेक्शन के साथ किसी भी अलामत का तजर्बा नहीं हो सकता। अगर आप जिनसी तौर पर मुतहरिक हैं तो ये ज़रूरी है कि अक्सर पेशाब का टेस्ट करवाएं, ताकि अगर आपको इन्फेक्शन है और आपको इसका एहसास ना हो तो आप मुनासिब इलाज हासिल कर सकें। कंडोम इस्तेमाल करने से एसटीआई होने या इन्फेक्शन और को मुंतकिल होने का ख़तरा भी कम हो सकता है। ब्राउन डिस्चार्ज, इसका इलाज कैसे करें? क्लाइमेडिया और सुजाक दोनों को अद्वियात से इलाज किया जा सकता है। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक एक दो हफ्तों में इन्फेक्शन को ख़त्म कर सकती है, लेकिन जल्द अज जल्द मुनासिब इलाज हासिल करना ज़रूरी होता है क्योंकि इलाज ना किए जाने वाले इन्फेक्शन पेचीदगियाँ पैदा कर सकते हैं, जैसे सरूनी की सूजिश की बीमारी, शरूनी की सूजिश की बीमारी और ब्राउन डिस्चार्ज। शरूनी की सूजिश की बीमारी इंसानी तोलीदी आज़ा का एक ऐसा इन्फेक्शन है जो अक्सर इलाज ना किए जाने वाले पेशाब के इन्फेक्शन जैसे क्लाइमेडिया या सुजाक के बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसकी अलामत में शामिल हैं इंदिहाम निहानी से भूरा मादा खारिज होना, आपके निचले पेट या बच्चेदानी में दर्द, बुखार, माहवारी के दरमियान गैर मामूली खून बहना, जिमा के दौरान दर्द, दर्दनाक पेशाब। अगर इलाज ना किया जाए तो ये इन्फेक्शन शदीद पेचीदगियों का बायस बन सकता है, बशमूल बांझपन या मोहलक इन्फेक्शन। लिहाजा अगर आप किसी किस्म की अलामत का सामना कर रहे हैं तो जल्द अज जल्द तिबी इमदाद हासिल करें। ब्राउन डिस्चार्ज, इसका इलाज कैसे करें? PID का इलाज एंटीबायोटिक से किया जा सकता है, लेकिन ये बीमारी आपके तोलीदी आज़ा को जो मुमकिन नुकसान पहुंचा सकती है इसे वापस नहीं लाया जा सकता। यूट्रेन फाइब्राइड्स की वजह से
होने वाला ब्राउन डिस्चार्ज। यूट्राइन फाइब्राइज आपके रहम में गैर सरतानी नशोनुमा होती है जो भूरे मादे और गैर मामूली खून बहने का सबब बन सकती है। इसकी दीगर अलामत में शामिल हैं जिनसी ताल्लुकात के दौरान दर्द, पेशाब के मसाइल, कमर के निचले हिस्से में मुस्तकिल दर्द। ये आमतौर पर खतरनाक नहीं होते हैं, हालांकि बाज़ सूरतों में वो पेचीदगियों का बाइस बन सकते हैं, जैसे पेशाब की नाली में रुकावट और बांझपन। ब्राउन डिस्चार्ज, इसका इलाज कैसे करें? फाइब्राइड का इलाज आपकी सेहत की तारीख और अलामात की शिद्दत के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकता है। आम इलाज के इख्तियारात में शामिल हैं हार्मोन के इंजेक्शन, फाइब्राइड को दूर करने के लिए सर्जरी, बर्थ कंट्रोल। अगर आपने हाल ही में पैदाइश पर काबू पाने की एक नई शक्ल शुरू की है और माहवारी के दौरान खून के बड़े लोतनों का सामना कर रहे हैं तो आपका बर्थ कंट्रोल का तरीका इसकी वजह हो सकता है। पैदाइश पर काबू पाने की कुछ शक्लें जैसे अद्वियात कुछ खावतीन में मामूल से ज़्यादा भारी माहवारी और लोतनों का सबब बन सकती हैं। अगर आपको भारी लोतनों और खून बहने का सामना है तो अपने डॉक्टर से अपनी अलामत के बारे में बात करें। अद्वियात, बर्थ कंट्रोल की तरह बहुत सी ओवर द काउंटर और तजवीज़ करदा दवाएँ हैं जो खून के लोतनों के साथ भारी अदवार में हिस्सा डाल सकती हैं। सोजिश की दवाएं जैसे हार्मोन की दवाएं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन और एंटी गोल्डनट माहवारी के गैर मामूली बहाव और खून बहने में हिस्सा डाल सकती हैं। अगर आप माहवारी के दौरान खून के ज़्यादा बहाव से गुजर रहे हैं तो आप जो दवाएं ले रहे हैं इनकी फहरस्त लेने की कोशिश करें और अपने डॉक्टर से इनके मुमकिन मुजरे असरात के बारे में पूछें। इस्कात हमल, हमल के इब्तदाई मराहल में अगर इस्कात हमल ये एक्टोपिक हमल होता है जो कि बच्चेदानी के बाहर जब जनिन बनना शुरू होता है तो ये अक्सर औकात मामूल से ज़्यादा बहाव और लोथड़ा का बायस भी बन सकता है। शुक्रिया।